ठीक है, अब पहले टिप्पणी के पॉइंट को क्लियर कर देती हूँ। पहला पॉइंट क्या था आपका? फिश। अब फिश के बारे में हम इसमें क्या करेंगे? फिश की हमें इतनी ही बात बताएं, जिन्होंने जो लिखा है आप एक बार उसको देख लीजिए, मिला लीजिए, और अगर कुछ ऐसा लगता है कि छूट गया है तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। पहला, भीष्म ने यहाँ पर भीष्म की भूमिका क्या है? जब विचित्र वीर अभी विवाह के योग्य, मतलब वो अभी छोटे थे, राजकाज संभालने हेतु नहीं थे, उस राजकाज को भी किसने संभाला है? भीष्म ने संभाला है ना। इसके बाद भीष्म की भूमिका आती है कि जब विचित्र वीर यानी कि काशी राज जब अपनी कन्याओं का स्वयंवर रखते हैं तो उस कन्याओं के स्वयंवर में जहाँ दूल्हे को जाना चाहिए यानी कि विचित्र वीर को जाना चाहिए था, वहाँ पर स्वयं भीष्म जाते हैं, ठीक। भीष्म जाने के बाद वहाँ क्या होता है, सारे सभा में खलबली मच जाती है, क्योंकि सभा में सभी को पता था कि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के लिए प्रतिष्ठित थे, मतलब उनको काफ़ी सम्मान था, लोग उनको जानते थे, क्लियर। तो इस नाते से किसी को ये आशा नहीं थी कि ये, सबको ये लगा कि शायद ये स्वयंवर ऐसे देखने आए हैं, लेकिन उनकी आशा कब टूट जाती है, जब वो स्वयंवर में अपना नाम दर्ज करवाते हैं और उसी के दौरान उसमें खलबली मच जाती है। अब खलबली मचने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर जितने लोग आते हैं वो लोग कुछ ना कुछ पंक्तियाँ पढ़ने लगते हैं कि अरे भीष्म आए हैं, इनकी प्रतिज्ञा का क्या हुआ, मतलब यहाँ पे भीष्म से ना किसी ने बात करने की चेष्टा की कि वो क्यों आए थे, वो माध्यम विचित्र वीर थे, वो विचित्र के वीर के हैंड से आए थे कि मैं उनके तरफ से मैं आया हूँ, ये जब तक वो कहते, लेकिन ये कहने का मौका राज्यसभा ने उसको नहीं दिया, और जिस नाते से वे क्या क्रोधित होते हैं और उन तीनों रानियों का हरण करके ले जाते हैं। हरण करने के बाद अब यहाँ से हम समाप्त कर देंगे। अब हम हमारा पैराग्राफ कहाँ जाता है, अम्बा। कि अम्बा के बार बार प्रार्थना करने पर वो अपने जब मन की बात रखती हैं कि मेरे मनोनीत राजा शालुक है, बट आप मुझे ज़बरदस्ती हर लाए, और हर लाने के बाद मैं उनको मन से अपना पति मान चुकी थी। अम्बा की बात सुनने के बाद भीष्म ने उनकी मदद करने की पूरी चेष्टा की, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिलसिला 6 वर्षों तक चलने के बाद भी उसका कोई हल नहीं निकला। तो ये भीष्म की भूमिका है। अब इसको आप कैसे ढंग से लिखोगे, मैंने आपको पॉइंट बता दिए हैं कौन कौन से पॉइंट लेने हैं, अब उस पॉइंट को टिप्पणी यानी कि एक हेडिंग के नुमा आपको पूरा सीधे सीधे लिखना है, नंबरिंग डाल के नहीं लिखना है। दूसरा पॉइंट बताइए। अम्बा का किरदार, अम्बा का किरदार ऐसा है कि ये पूरी कहानी लगभग जो हम देख रहे हैं कि पूरी प्रकरण में अम्बा के साथ हर जगह अन्याय होता है, लेकिन अन्याय के लिए कहीं ना कहीं अम्बा स्वयं अपने को नहीं गलत है। अम्बा जब अम्बा का हरण हुआ तो क्या उनके मुंह पर पट्टी लगी थी? बिल्कुल नहीं, अम्बा अपनी बात रख सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी बात कहाँ रखी? जब शाल के साथ युद्ध हो रहा था तब भी अम्बा वहीं मौजूद थी, जब वो राजसभा हस्तिनापुर पहुंची तब भी वो वहीं मौजूद थी, तब उन्होंने एक बार जब विवाह की तैयारी हो रही है तब अम्बा ने कहा कि मेरा मतलब मैं राजा शाल से प्यार करती हूँ और उनको अपना पति मान चुकी हूँ। अम्बा की इस गलती का उनको कितना बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा कि वो कई बार कोशिश करती हैं, कई बार जाती हैं राजा शाल के पास, फिर भीष्म से कहते हैं कि आप मुझसे विवाह कीजिए, फिर वो कहते हैं अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता, विचित्र वीर भी शादी के लिए इनकार कर देते हैं क्योंकि उनकी दो शादी जब दो रानियों के साथ हो चुकी तो अब उनकी इच्छा नहीं है कि वो अम्बा से विवाह करें, ठीक। और जिसने पहले ही कह दिया है कि मेरा पति मैं किसी और को मान चुकी हूँ, तो उस समय में जो मान होता था रानियों का वो दोबारा किसी और को नहीं दिया जाता था, ठीक। तो ये अम्बा का किरदार यहाँ तक था। इसके बाद हम अम्बा के किरदार पे कहाँ आएंगे, जब 6 वर्षों तक उन्होंने बहुत यत्न किया जिसमें भीष्म भी उनकी मदद तो करते हैं पूरी, लेकिन कुछ हल ना निकल पाने पर अम्बा क्रोधित हो जाती हैं, वो कई राजाओं से जाके मिलती हैं कि जाओ आप भीष्म से युद्ध करो और उनको मार दो, अब उनकी मृत्यु देखना चाहती थी वो किसकी, भीष्म की। और ये जो उनकी मृत्यु देखने का जो उनका था वो कहीं ना कहीं अम्बा की जो असली छवि थी वो समाप्त कर चुका था, ठीक। और इस नाते से अम्बा ने फिर परशुराम के पास, अंततः वो परशुराम के पास जाती हैं, परशुराम उनका मान रखने के लिए उनकी दुख को सुनकर वो दुखी होते हैं, इस नाते से उनकी मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है वो काफ़ी समय, क्योंकि परशुराम और भीष्म में लड़ाई में ये दोनों सेम एक समान थे, किसी से कोई कम नहीं था, कई समय तक ये युद्ध चलता रहता है, बट अंततः परशुराम हार मान जाते हैं
और वो आके अम्मा से कहता है कि अम्मा मुझसे जितना हो सका मैंने किया, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। और इसके बाद अम्मा हार नहीं मानती है, फिर वो जाकर वन में तपस्या करती है और अपने स्त्री रूप को त्याग कर किसका रूप लेती है? शिखंडी का। यहीं पे आपका अम्बा का किरदार समाप्त हो गया, क्योंकि यहाँ आपके अध्याय में दो ही किरदार महत्वपूर्ण हैं, भीष्म और अम्बा। अब अम्बा में आप क्या करोगे, अगर कुछ भी पॉइंट जो ज़रूरी आपको लगते हैं उन चीज़ों को अगर आप रखो, लेकिन वो लयबद्ध तरीके से हो। आप जैसे मैं कोई क्वेश्चन या प्रश्न उत्तर आपको लिखवाती हूँ तो जब वो सहजता से आप उसको पढ़ सकें ऐसा हो, ठीक। वो बड़ा या छोटा होगा इसको अगर आप माइंड लेके चलोगे तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तीसरा क्या था मैम? राजा शाल। राजा शाल का किरदार बहुत ज़्यादा नहीं है। राजा शाल सौम देश के राजा थे, वे अम्बा से मन ही मन प्यार करते थे, लेकिन किसी कारण से उनका विवाह नहीं हो पाता है। विवाह ना होने पर वो रण कौशल में भी पारंगत हैं, वे विष्णु के साथ युद्ध करते हैं, बट वहाँ पर वो हार जाते हैं। हारने के पश्चात वो अपने देश को लौट जाते हैं। अम्बा के कई बार प्रार्थना याचना करने के बावजूद राजा शाल इस बात के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि ये उनके आत्मसम्मान और गौरव की बात थी। समाप्त। अब आखिरी पॉइंट आपका है विचित्रवीर। चूँकि विचित्रवीर अभी कम उम्र के थे, लेकिन जब दोनों रानियों का उनके साथ विवाह होता है तो कहीं ना कहीं विचित्रवीर ने भी अम्बा के मन को या अम्बा की जो मन की इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए खुली छूट दे दी थी, यानी एक रास्ता उन्हें दे दिया था कि मैं तुम्हें त्यागता हूँ। और बाद में भी जब विष्णु के कई बार समझाने के बावजूद भी विचित्रवीर उस बात को नहीं मानते, वो तुरंत कहते हैं कि नहीं, मैं अब उनके साथ विवाह नहीं कर सकता। और नहीं करने का कारण एक ही कारण था, क्योंकि वो पहले ही किसी को प्रेम करते थे, ठीक। और इस ये चीज़ कहीं ना कहीं विचित्रवीर को भी नापसंद थी, इसलिए उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया। तो विचित्रवीर का किरदार इतना ही है। अब आखिरी आपका है परशुराम। जैसे कि अम्बा हर जगह से हताश होने के बाद अंततः वो परशुराम जी के पास जाती हैं। परशुराम जी उनके दुख को सुनने के बाद उन्हें सांत्वना देते और कहते हैं कि हाँ बालिके, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और मदद करने के उपरांत एक महाबलशाली भीष्म के साथ युद्ध करना कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन उस युद्ध के वो करते हैं। लगभग ये युद्ध कई समय तक चलता रहता है, बट अंततः कि जब दोनों एक समान रूप के योद्धा जब आपस में लड़ते हैं तो उस योद्धा का या उस युद्ध का कोई हल नहीं निकलता। अंततः परशुराम जी हार जाते हैं, किंतु उन्होंने अपने हैंड से या अपने तरफ से जितनी कोशिश करनी चाहिए उतनी अंततः तक उन्होंने की, अपने कर्तव्य को उन्होंने निभाया। और इसके पश्चात फिर अम्बा उनसे भी हताश होकर वहाँ से चली जाती है। ये हो गया आपका परशुराम का। सारे पॉइंट सबको क्लियर हो गए? यस। कोई डाउट? नो। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े से हैं, तो उसको देख लीजिए। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब टिप्पणी के बाद बच्चों आपका खाली दो ही प्रश्न और बचता है, तो प्रश्न नंबर 10 मार्कर। अब मार्कर में आप पहला प्रश्न डालेंगे, प्रश्न नंबर 10। हमने 9 तक किया है, 9 ही मैंने आपको दिया हुआ था, क्लियर। अब प्रश्न नंबर 10 डालिए। अम्बा राजाओं से किस बात का दुखड़ा रोती है, सबको दिखाई दे रहा है लास्ट बेंच तक? यस मैम। ठीक है, अब उसका उत्तर लिखिए। अम्बा राजाओं से भीष्म से युद्ध करने लगी। ये सा है हाँ, से युद्ध करने हेतु करने हेतु
रोती है, रोती है। ठीक है, अब आपका आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। अंबा से शिखंडी के रूप से आप क्या समझते हैं? अंबा से शिखंडी, शिखंडी के रूप से अंबा और शिखंडी एक है या अलग? एक है। तो अंबा से शिखंडी के रूप, या यूं कहें कि अंबा और शिखंडी के दूरी कितनी दूरी है, या अंबा और शिखंडी ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इसका क्या पाया? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बट मैंने इजी वे किया है कि अंबा से शिखंडी के रूप में, क्योंकि दोनों का रूप एक ही है, आज इंसान एक ही है, बस उसका रूप बदल गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मैं डाला हुआ है। ठीक है, तो मैं से आप क्या समझते हो? आप उसका उत्तर लिखिए। अंबा कई राजाओं महाराजाओं से, अंबा कई राजा महाराजाओं से से युद्ध के लिए प्रार्थना करती है, किंतु कोई राजा तैयार नहीं होता, कोई राजा तैयार नहीं होता, राज को उड़वाना नहीं होता, नहीं होता। सभी विष्णु से डरते हैं, सभी विष्णु से डरते हैं, डरते हैं, और अंततः अम्बा घोर तपस्या के द्वारा, स्त्री रूप को त्याग कर, स्त्री रूप को त्याग कर, त्याग कर पुरुष रूप, पुरुष रूप शिखंडी का लेती है, जो आगे जाकर, आगे जाकर भीष्म की मृत्यु का कारण बनता है, भीष्म की मृत्यु का कारण बनता है, बनता है, बनता है। ये आपका आखिरी क्वेश्चन समाप्त। ठीक, अब इसे लिख लो, शब्दार्थ हमारे बाकी है ना, मुझे किताब दो।
अब ये कंप्लीट कर लीजिए। प्रश्न के उत्तर में कहीं कोई शंका या कोई डाउट हो किसी को, ठीक है इसे कर लो पहले। डरते हैं और अंततः अंबा घोर तपस्या के द्वारा अंततः दो बढ़ता है और आगे अंग बिंदु है, अरे अह वाली बिंदु है। अंततः नहीं, उसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। एक मिनट, खाली एक चीज करनी है उसमें, वो कर रहे हैं बस ये कर। हाँ नहीं पूरा अंत में देखो, मैंने ऊपर अंक की बिंदी दी है तो आपका न वहाँ पूरा हो जाता है, लेकिन अंततः यानी पूरे हर एक चीज करने के बाद एकदम अंत में उन्होंने ये कार्य किया है ना, इसलिए वो अंततः कहना है। मैम प्लीज सर लिखो। मैम रुक जाओ, अभी बाकी है करने, पहले शब्दार्थ है बाकी है। मैम इसको पॉज कर लो, हो गया ना कम्प्लीट ये। तो ये आपका क्वेश्चन ऐसा कंप्लीट हो गया है, नहीं है।